लिक्विड राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी क्या होती है और कितनी इफेक्टिव होती है? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। देखिए, कुछ केसेस में नॉन सर्जिकली डर्मल फिलर्स को इंजेक्ट करके नोज में भी नोज की शेप को ऑल्टर किया जा सकता है, एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है और इससे सर्जरी जो है वो अवॉइड की जा सकती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ ही केसेस में की जा सकती है। लिक्विड राइनोप्लास्टी करा के इमीडिएटली एक तरह से ऑफिस जा सकते हैं और अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो रिज्यूम कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की मेजर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है और किसी तरह का मेजर डाउन टाइम नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन ये सब में अप्लीकेबल नहीं होता है। राइनोप्लास्टी सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। राइनोप्लास्टी से संबंधित आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क करें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। थैंक यू।